ब्लैक फंगस के नाम में ही खतरे और डर की तस्वीर दिखाई देती है। कोरोना से संक्रमित और तुरंत ठीक हुए मरीज सबसे ज्यादा ब्लैक फंगस के निशाने पर हैं। क्या है इसके लक्षण, क्या सावधानी आपको बरतने की जरूरत है, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। अब तक कोरोना वायरस से लड़ रहे थे, क्या ब्लैक फंगस ने भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। एक और जानलेवा बीमारी मरीजों को शिकंजे में ले रही है। कोरोना से बचकर निकले लोगों में एक नए तरह का संक्रमण फैल रहा है। डॉक्टर इसे म्यूकर माइकोसिस कहते हैं। साधारण भाषा में समझें तो इसे ब्लैक फंगस से फैला इन्फेक्शन कहा जा रहा है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि इस बीमारी के लक्षण क्या है। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की आंख, गाल और नाक के नीचे लाल धब्बा हो सकता है, नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और शरीर में दर्द, मरीज के नाक के आसपास काले धब्बे, धुंधला दिखना, दांतों में दर्द, सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है। अगर किसी को यह तकलीफ हो रही है तो बिल्कुल नजरअंदाज ना करें और अपने डॉक्टर से संपर्क करें। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि नौजवानों में भी म्यूकर माइकोसिस संक्रमण काफी पाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के लक्षण जैसे नाक का बंद होना, एक तरफ आंख में दर्द होना, तालू का, दांतों का टूटना, तालू का काला होना, इस चीज पे बहुत ध्यान दें विशेष, और अपने डॉक्टर को दिखाएं। अब सवाल उठता है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में ब्लैक फंगस का हमला ज्यादा घातक क्यों है। एक्सपर्ट्स का दावा है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक फंगस शरीर को शिकार बना लेता है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से ये संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों के लिए बेहद गंभीर समस्या खड़ी कर सकती है। एक्सपर्ट्स ये भी बताते हैं कि मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों के बाद ही म्यूकर माइकोसिस संक्रमण फैल सकता है। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। पेशेंट्स हु आर इन द एल्डरली एज ग्रुप्स, मिडिल टू एल्डरली एज ग्रुप्स एंड हु हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, दे आर बेसिकली इम्यूनोसप्रेस्ड। द इम्यूनिटी लेवल ऑफ दीज पेशेंट्स इज क्वाइट लो एंड व्हेन दे गेट इन्फेक्शन विद कोरोना the immunity further goes down, and because of the treatment with multiple immunomodulators as well as high doses of steroids, what happens is that these patients are on a very high chances of getting fungal infection. इस बीमारी का फैलना कोरोना महामारी के बीच एक बुरे सपने जैसा है। जरूरी बात यह है कि म्यूकर माइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को स्टेरॉइड्स की सही मात्रा दी जाए। और आपको अगर फेस पे या स्किन पे या नाक की टिप पे एनेस्थीसिया, जैसे आपको आपको छूने से पता नहीं चल रहा कि वो टच हो रहा, तो हो सकता है ये फंगस म्यूकर माइकोसिस हो, और इसको आप जल्दी से जल्दी दिखवाएं ताकि इसका इलाज अगर टाइमली हो जाता तो आपको बहुत जल्दी इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस। सबसे पहले तो बीमारी से बचने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर फिर भी संक्रमित हो गए तो सही इलाज बिना देर के शुरू करना चाहिए। ICMR के मुताबिक ब्लैक फंगस के शिकार लोगों को सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है। एहतियात के तौर पर कोविड-19 से ठीक होने के बाद ब्लड शुगर लेवल को लगातार चेक करना चाहिए और स्टेरॉइड का इस्तेमाल डॉक्टर की सलाह पर ही करें। दिल्ली से स्नेहा मोडानी और मिलन शर्मा और अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ।